लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। असम के तिनसुकिया में लोगों की आंखें उस वक्त फटी की फटी रहेगी जब एटीएम मशीन खोलते ही नोटों की बारिश होने लगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इन सभी नोटों को चूहों ने कुतर रखा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। एटीएम मशीन में चूहों ने एक कदर आतंक मचाया कि बैंक को लाखों का चूना लग गया। दरअसल तिनसुकिया में SBI ATM मशीन खराब होने की जानकारी मिली। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो अधिकारियों ने जांच के लिए टीम भेजी। जैसे ही मशीन को खोला गया अधिकारियों के होश उड़ गए। मशीन के अंदर 10 या 20 हजार रुपए नहीं बल्कि चूहों ने पूरे 12 लाख रुपए के नोट कुतर डाले थे। उन्होंने देखा कि 500 और 2000 रुपए के नोट मशीन में चूहों ने कुतर दिए हैं। इस बारे में एक बैंक अधिकारी ने बताया कि तिनसुकिया के लेपोली इलाके का ATM 20 मई से तकनीकी खराबी के कारण बंद था। बैंक अधिकारी ने बताया कि 12,38,000 नोटों को चूहों ने कुतर दिया। फिलहाल केवल 17 लाख कीमत के नोट बच पाए हैं। बता दें कि यह मामला 11 जून को तब सामने आया जब इस घटना की तस्वीर किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर अपलोड की। अपलोड होते ही ये खूब वायरल होने लगी।